और जहाँ मशीन खड़ी हुई यहाँ तक खुदाई हुई है और इवन की बेसमेंट बनाई जा रही है और साइड में दीवारें बनाई जा रही हैं। अब आप बोलेंगे कि साइडों में दीवारें और बेसमेंट की बनाई जा रही है कि जब भी अंडरपास बनता है तो रोड डालने के लिए और छत डालने के लिए बेसमेंट और साइडों में दीवारें बनाई जाती हैं कंक्रीट की, ताकि अंडरपास संभल सके। तो पहले मरहले का जो कि काका भवानी चौरंगी से लेकर मीना बाज़ार तक का है, वो मरहला उस मरहले का 30% जो है वो काम हो गया है, 70% काम होना बाकी है। और साथ साथ जो दूसरा मरहला है ब्रिज के नीचे वाला, वो अभी छड़ा नहीं है, क्योंकि जब वो पहला मरहला कंप्लीट होगा तो फिर दूसरे मरहले की खुदाई होगी। और जो तीसरा मरहला है मूसा कॉलोनी का, जो कि अंडरपास वहाँ निकलेगा, वहाँ भी खुदाई फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुई है। और मूसा कॉलोनी की तरफ जो तीसरा मरहला है, वहाँ एक अपडेट है कि वहाँ नाले के हवाले से ड्रेनेज सिस्टम डाला जा रहा है, ताकि अगर वहाँ खुदाई हो तो निमूल बदल हो नाले का। तो ये जो अंडरपास बन रहा है कराची का, ये उन लोगों को मददगार साबित होगा जो कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं फ्रॉम नाज़माबाद टू गुलशन इकबाल, फ्रॉम बफर जोन टू गुलशन इकबाल, फ्रॉम औरंगी टाउन टू गुलशन इकबाल, फ्रॉम सैफी हॉस्पिटल टू आगा खान हॉस्पिटल, फ्रॉम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल टू लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, फ्रॉम असगर अली शाह स्टेडियम टू नेशनल स्टेडियम, फ्रॉम नाज़माबाद औरंगी बफर जोन नॉर्थ कराची टू हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट और काका भवानी सेंटर एंड मेमन फाउंडेशन। तो ये जो मामला हैं, ये बनने से जो रास्ता 1 घंटे में तय होता था, अंडरपास के बनने से रास्ता 10 मिनट में तय हो जाएगा। मगर यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला तो मामला ये कि जो अंडरपास बन रहा है, इसका काम 15वें रोज़े से बहुत सुस्त रवि का शिकार हो गया है। जब ये 4-5 महीने पहले स्टार्ट हुआ था मामला काम का, तो बहुत तेज़ी में हो रहा था और लग रहा था 6 महीने में बन जाएगा, मगर फिर केयर टेकर हुकूमत आई, काम थोड़ा स्लो हुआ, मेरे कराची भी थोड़े स्लो हुए, फिर दोबारा से हुकूमत आई, मेरे कराची थोड़ा फास्ट हुए, काम भी थोड़ा फास्ट हुआ। मगर जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो शुरू के दस दिन तो काम बहुत तेज़ी में होता रहा, इस टाइम पर भी काम होता था, मगर जब से 10 रोज़े गुजरे उसके बाद ये जो बताने वाले हैं, इन्होंने ये रास्ता घेरा है, ये बाइकों की पार्किंग बन गई है, जिस वजह से कोई बड़ा ट्रैफिक आ नहीं पा रहा अंदर और यहाँ काम रुक गया है। तो ये 15-20 दिन इसी तरह ज़ाया हो रहे हैं। मगर यहाँ मैं एक बात आपको बोलूँगा कि जो बताने वाले आपको दिख रहे हैं, ये दुकान वाले दिख रहे हैं, यकीन माने इनकी तो दुनिया ही उजड़ गई है। अब आप बोलेंगे कि यार इनकी दुनिया कैसे उजड़ गई है, आप जो नीचे रश देख रहे हैं, आपको लोगों से ज़्यादा रश यहाँ कचरे का नज़र आ रहा होगा। आप कचरे को ज़्यादा देख सकते हैं ना कि लोगों को, आप बाइकों को ज़्यादा देख सकते हैं ना कि लोगों को, आप पतारों को ज़्यादा देख सकते हैं ना कि लोगों को। ये टाइम 20वें रोज़े का ऐसा होता था कि लोगों के पांव रखने की जगह नहीं होती थी, और अब हाल ये है कि अब लोगों को चलने की जगह ईज़ली मिल रही है, बाइकें खड़ी करने की जगह ईज़ली मिल रही है, और उसके बावजूद आपको कचरा भी नज़र आ रहा है। हालात भाई ये हैं इस कराची शहर के, ख़ासकर करीमाबाद के दुकानदारों और पतारे वालों के, कि अगर इनकी दासरसी नहीं की गई तो फाकाकशी की तरफ मामला चले जाएगा इनका मामला।
मैं हर दुकान वाले हर बताने वाली की बात नहीं कर रहा, मगर जो मुस्तकिल यहाँ लगे हुए हैं मैं उनकी